ठीक है तो इफ़ यू हैविन ऑलरेडी चेक दोडियोज आउट मैंने काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है प्लांट टिश्यूज का टूडे विल बी स्टार्टिंग विद अनदर टाइप दैट इज एनिमल टिश्यूज एनिमल्स में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनकी बॉडी में उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड कहाँ कहाँ होते हैं वो ओके सो बिफोर वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट ओके टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज ठीक है इसमें तुम्हारे को दिख रहा होगा कि हमारे पास है कार्टल नर्वस मसल बोन टेंड्रॉन लिगमेंट काफी सारे यहां पर लिस्ट डाउन करे हुए हैं टाइप्स अभी मैं तुम्हारे को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सबका देने वाली हूँ तो दे इज नो पॉइंट डिस्कसिंग देम राइट नाउ सो लेट्स स्टार्ट विथ द टाइप्स राइट नाउ ओके ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस शेप दे परफॉर्म एनिमल टिश्यूज कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग टाइप्स ठीक है एनिमल टिश्यूज के बेसिकली फोर टाइप्स होते हैं यहां पर एक जो है वो पिक्चर के पीछे हाइड हो गया है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फोर्थ टाइप इज नर्वस टिश्यू ओके सो हम कैसे डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज को एज पर द फंक्शन एंड द शेप कैसी उनकी शेप है एंड व्हाट आर द फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग जैसे हम सेल्स को करते थे डिफरेंशिएट जैसे हमने प्लांट टिश्यूज को रहा था डिफरेंशियट से मिलोलीम एनिमल टिश्यूज को भी डिफरेंशिएट करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ़ फंक्शन ठीक है फंक्शन क्या काम उनको करना है वॉट इज द वर्क दे आर परफॉर्मिंग सेकेंड ऑफ ऑल जो फंक्शन होता है वो हमेशा जो जो शेप होती है टिश्यू की और सेल्स की वो क्या करती है वो हमेशा जो फंक्शन है उसको सपोर्ट कर रही होती है ठीक है शेप इज समथिंग लाइक इट इज़ ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दैट द सेल नीड्स टू परफॉर्म है ना तो इसीलिए जो दो बेसिक हमारे जो फैक्टर्स आ, आ जाते हैं वो होता है फंक्शन एंड शेप ठीक है नाउ द फोर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आ फर्स्ट वन एपिथेलियल सेकंड कनेक्टिव थर्ड मस्कुलर फोर्थ नर्वस टिश्यूज़ अब हर एक यहाँ पर टाइप ऑफ टिश्यू में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इसके अंडर भी क्या क्या हमारे पास डिविजन्स हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं तो लेट्स स्टार्ट विथ दी एपीथीलियल अच्छा उससे पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि एनिमल्स इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडीज इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं बट स्टिल हम पूरी बॉडी की जब हम बात करते हैं देर आर ब्रॉडली ओनली फोर टाइप्स ऑफ टिशूज और ज़्यादा उसमें नहीं आते हैं ब्रॉडली हम एज पर द फंक्शन ऑल्सो वेन वी डिवाइड देर आर ओनली फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज इसके अंडर जो हमारी डिविजन्स है वो काफ़ी सारी आ जाती हैं ओके okay. लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज एपीथीलियल टिश्यू ठीक है तो एपिथीलियल वर्ड का मतलब बेसिकली होता है ऑन टॉप ऑफ ठीक है किसी चीज के ऊपर किसी चीज के ऊपर अगर कुछ कवरिंग टाइप की हुई उसको कहते हैं हम एपिथीलियल ठीक है तो नाम से ही पता चल रहा है एपीथीलियल टिश्यू का मतलब है कुछ वो कवर करने वाला है ठीक है अब हम देखते हैं कि है क्या एपिथीलियल टिश्यू दे आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी सबसे पहले हमारा फंक्शन आ जाता है दे आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू ये क्या करती है प्रोटेक्ट करती है हमारी ह्यूमन बॉडी को ठीक है कैसे करती है अब वो देख लेते हैं एपिथीलियम कवर्स मोस्ट ऑफ दी ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी यहाँ पर ऑर्गन और कैविटीज़ में डिस्टिंक्शन है ऑर्गन्स तो हमें पता है क्या होते हैं ठीक है कैविटीज बेसिकली होती हैं स्पेस uh, होती है बॉडी में जिसके अंदर फ्लूड भरा होता है ठीक है स्पेस जिसके अंदर फ्लूड हो दैट्स कॉल्ड कैविटी तो एपिथेलियल जो टिश्यू uh, है वो क्या करता है किस किस को कवर करता है ऑर्गन्स को भी करता है और कैविटीज को भी कवरिंग या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ठीक है द एपीथीलियल टिश्यूज आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ लाइनिंग ऑफ द माउथ का मतलब है हमारी जो माउथ है जो हमारा माउथ है अंदर से उसके ऊपर पूरी एक फिल्म टाइप की एक पतली सी लेयर है एपिथेलियल टिश्यू की जो पूरे के पूरे माउथ को कवर करती है ठीक है प्रोटेक्ट करती है हमारे पूरे माउथ को देन इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन दी लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है उसमें भी पाई जाती है स्किन में भी होती है हमारी जो स्किन है आर इंटायर स्किन जिसकी सबसे अपमोस्ट लैर इस बेसिकली एपीथीलियल टिश्यू ऊपर से लेके नीचे तक जब आप बात करते हो हमारी स्किन की पूरी की पूरी किससे कवर्ड होती है एपीथीलियल टिश्यू से ही कवर्ड होती है लंग एल्वियोलाय लंग एल्वियोलाइज क्या होते हैं भाई लंग lung, लंग्स के अंदर क्या होते हैं एयर पॉकेट्स जो होती है ना हमारी जिस जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं जितना भी वो एक्सचेंज होता है वो लंग एल्वियोलाय के ही थ्रू होता है एंड उसकी भी एक कवरिंग होती है उसके ऊपर एपिथीलियल टिश्यू की एंड किडनी ट्यूब्यूल्स ऑल्सो किडनी के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं वो भी एपिथीलियल टिश्यू की बनी होती हैं ओके नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इट एक्ट एज अ बैरियर एंड सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन एंड सिस्टम फ्रॉम ईच अदर अब यहां पर क्या है जैसे मान लो कि हमारी स्टमक की लाइनिंग है ठीक है स्टमक की लाइनिंग के ऊपर जो टिश्यू होगा ठीक है और उसके साइड में अगर एक और ऑर्गन है उसके ऊपर भी अगर कोई लाइनिंग होगी जो टिश्यू की बनी होगी तो ये कैसे सेपरेट करती है एग्जैक्टली exactly जैसे मान लो तुम्हारे पास शुगर है और सॉल्ट है ठीक है अब तुम अगर मार्केट से लेकर आते हो क्या होता है वो हमेशा पैकेट्स में होती है ठीक है मान लो अगर वो पैकेट्स ना हो तो ऑब्वियसली मिक्स हो जाएगा ना तो डेफिनेटली वो जो बाहर की ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड दैट इज़ हाउ टू ऑर्गन्स और सिस्टम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच आर द्रू दी एपीथीलियल टिश्यू कवरिंग है प्रोटेक्शन है ठीक है नो इंटर सेल्युलर स्पेस ऑब्जॉर्व अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है मैंने पिछली बार भी बताया था जब भी कोई चीज़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है उसकी जो इंटर सेल्यूलर स्पेस है वो कम ही होती है क्योंकि फिर क्या होगा फायदा तो मतलब अगर वो पूरा का पूरा सॉलिड की तरह होगा कि पार्टिकल्स एक के साथ एक जुड़े हुए हैं तभी तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएगी ना अदरवाइज नहीं कर पाएगी अदर अगर सेल्स के बीच में गैप uh, होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है हम यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी आनी नहीं चाहिए ना सिमिलरली नो इंटरसेल्यूलर स्पेस इज ऑब्जर्व ना यहाँ पर एक और चीज़ है पर्मिबिलिटी पर्मिबिलिटी और इंटरसेल्युलर स्पेस में कन्फ्यूज़ मत करना जब हम इंटर सेल्यूलर स्पेस की बात करते हैं इसका मतलब है दो सेल्स के बीच की स्पेस ठीक है इंटरसेल्युलर स्पेस मींस द स्पेस बिटवीन टू सेल्स बट जब हम पर्मिएबिलिटी की बात करते हैं उसका मतलब होता है कि सेल के अंदर और बाहर क्या मूवमेंट सब्सटेंसेस का हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा आधे आधी सेल्स पर्मियबल और नॉट तो सेल्स आर परमियबल एपीथिलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे आर परमिएबल बिकॉज मटीरियल का इन एंड आउट होना तो बहुत जरूरी है एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ भी ठीक है हमारी स्किन जो है वो आउटर कवरिंग है और हमारा बाहर बॉडी के बाहर का पार्ट इस एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो उसके साथ जितना भी हमारा एक्सचेंज होना है वो एपिथेलियल टिश्यू के ही थ्रू होता है कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू होता है द पर्मिएबिलिटी सेकेंड ऑफ ऑल जो हम दो उसकी भी बात कर रहे हैं क्या बोलते हैं इंटरनल इंटरनल ऑफ द बॉडी ठीक है internal of, internal of इंटरनल बॉडी में भी अगर हमारा कोई ऑर्गन है उसका भी पर्मिबिलिटी उसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज एक्सचेंज तो मटीरियल का होता ही है दैट इज हाउ द इंटायर बॉडी वर्क सो सेल्स आर पर्मिबल इंटर सेल्युलर स्पेस नहीं होती है एंड इट सेपरेट्स डिफरेंट ऑर्गन इन साइड द बॉडी ओके इसमें भी जो हमारा होता है देर आर टू साइड्स ठीक है वन इज द एपिकल साइड मैंने प्लांट टिश्यूज में बताया था एपिकल का जो मतलब होता है इट कम्स फ्रॉम द वर्ड एपेक्स एंड दैट मीन्स इट इज एट द टॉप ठीक है जैसे माउंटेन का टॉप होता है दैट्स कॉल्ड द एपेक्स ऑफ द माउंटेन दूसरा पार्ट जो आ जाता है वो आता है बेजिल बेजिल का मतलब होता है बेसिक ठीक है तो जब हम एपीथीलियल सेल्स की बात करते हैं एपिथीलियल टिश्यू की यहाँ पे बात करें सो बेसिकली दिस इज समथिंग लाइक अ बेसमेंट जैसे एक जो हमारी बिल्डिंग होती है उसका बेसमेंट होता है वैसे दैट इज द बेसमेंट एंड दिस इज लाइक द फर्स्ट फ्लोर ठीक है तो ये इस वे में दो बेसिक लेयर्स होती हैं टिश्यू की बेसल एंड एपिकल नाउ एपिथेलियल टिश्यूज के क्या क्या टाइप्स होते हैं बेसिकली एज पर द शेप देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एपिथीलियल टिश्यूज हमें पता चल गया एपिथेलियल टिश्यूज होते क्या हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ठीक है इन लाइनिंग होती है वो कवर करती है हमारे इंटायर माउथ को इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ ठीक है ऐसे करते करते काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स में इट इज प्रेजेंट नाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड फंक्शन इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वन इज लाइन शेप की बात कर रहे हैं हम तो जो सेल्स इंटैक्ट होते हैं एक लाइन में तो हम उनको बोलते हैं स्कोमस। ये देखो लाइन वाले स्कोमस। सेकेंड जब हम बात करते हैं सिलेंडर की क्या होता है सिलेंडर ये देखो समथिंग like यही होती है शेप सिलेंडर की तो जो सिलेंड्रिकल हमारे सेल्स uh, आते हैं और फिर वो टिश्यू बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू एंड थर्ड आ जाता है क्यूबॉइड क्यूबॉइड इज लाइक अ क्यूब जो हमारा रूबिक्स क्यूब होती है वही शेप होती है क्यूबॉइड की तो उससे हमारा आता है क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन दैट इज स्क्वामस ठीक है नाम काफी सुनने में अजीब सा लग रहा है बट स्क्वामस एक्चुअली कम्स फ्रॉम द वर्ड स्क्वामा ठीक है और स्क्वामा का क्या मतलब होता है इट्स बेसिकली द स्केल्स ऑफ फिश और स्नेक जैसे फिश और स्नेक की बॉडी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं मतलब उनकी जो स्किन होती है वो स्केल टाइप की बनी होती है यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हारे को दिस पिक्चर है ना उसी से हमारा वर्ड आता है स्कोमा एंड उसी से हमने बनाया स्कोमस एपिथीलियम टिश्यू ठीक है इट कॉन्ट्रीब्यूट द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टू पार्ट तो हमारा जो स्कोमिस एपिथीलियम भी है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है एक है सिंपल स्क्वामस और एक है स्क्वामस एपिथीलियम सो सिंपल तो तुम्हारे को पता चल रहा होगा कि सिंपल तो मतलब वर्ड इज सिंपल ओके बट स्ट्रैटिफाइड का क्या मतलब होता है स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है स्ट्राटा और लेयर्स तो जिस हमारे टिश्यू में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आ जाती हैं उसे हम कहते हैं स्ट्राटिफाइड स्कोम एपीथीलियम टिश्यूके अब कर चलते हैं हम फर्स्ट वाले पे दैट इज सिंपल स्क्मस एपिथीलियम ठीक है सिंपल स्क्मस क्या है दे हैव अ डेलिकेट सेल लाइनिंग एंड पोजेस एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट स्ट्रक्चर जो हमारे स्क्ॉमस एपिथीलियम है वो बेसिकली फ्लैट ही होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर भी होता है पूरे के पूरे टिश्यू का इट इज एक्चुअली फ्लैट ठीक है इट इज थिन एंड फ्लैट बट जब वो सिर्फ एक लेयर होती है वेन देर इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स तो वो क्या बनाती है हमारा सिंपल स्कॉमस एपीथिलियम टिश्यू ठीक है इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एलोलाई फेग एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ इज वेल तो वहां पर जो मैंने मैंनेलियम टिश्यूज के एग्जाम्पल दिए हैं वो भी दो पार्ट्स में बाइफोकेट हो जाते हैं कुछ भाई सिंपल होते हैं और कुछ हमारे आ जाते हैं स्ट्रटिफाइड में ठीक है तो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स लंग एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ ये किसमें आते हैं भाई हमारे सिंपल सिम्पल में जिसकी एक सिंगल लेयर होती है मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन दैट इज स्ट्राटिफाइड स्ट्राटिफाइड का मतलब क्या है लेयर्स बहुत सारी लेयर्स जैसे तुम्हारे को इसमें पिक्चर में दिख रहा है देर आर मेनी लेयर्स ठीक है काफी सारी लेयर्स होती हैं सिंपल स्कोम जब बहुत सारे सिंपल स्कोमिस एक साथ एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं उसे हम स्ट्राटिफाइड स्कोम एपिथिलियम टिश्यू बोलते हैं

स्कोमोसेपिथिलियम टिश्यू ठीक है अगर सिर्फ एक लेयर होती तो वो अगर पार्टिकल शेड करती चली जाती तो फिर क्या होता इतनी जल्दी तो रिकवर नहीं कर पाती बॉडी ठीक है इसीलिए जो हमारी स्किन है इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स व्हिच इज कॉल्ड स्प्राटिफाइड स्कोमोसेपिथिलियम टिश्यू इस टिश्यू की बनी होती है जिससे कि अगर ऊपर वाली लेयर जा भी रही है एटलीस्ट नीचे तो है हमारे पास है ना हमारी इमरजेंसी किट तो है नीचे तो है बाकी की जो लेयर्स हैं वो हमारे को प्रिवेंट करेंगी वेयर एंड टेयर से प्रोटेक्शन देंगी एंड स्किन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड टिश्यू देखो फाउंड इन द आउटर साइड ऑफ द स्किन एज इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी मैकेनिकल इंजरी को प्रिवेंट करती है एंड इज वॉटर प्रूफ डेफिनेटली हमारी स्किन वॉटर प्रूफ होती है ओके okay. इसमें देखो ऐसे करके हमारे जो सेल्स uh, होते हैं वो स्टैक्ड होते हैं एक के ऊपर एक और इसी से हमारा क्या बनता है स्प्राइडस मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन दैट इज कॉलमार एपीथिलियम ठीक है कॉलमार मैंने क्या बोला है कॉलमार किधर से आता है पिलर लाइक ठीक है कॉलम बेसिकली पिलर लाइक एपिथीलियल सेल्स कंटेनिंग कंटेनिंग सिलेंड्रिकल सेल्स सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं यहां पर जो पिक्चर तुम्हारे को दिख रही है वो ऐसे ही इसी टाइप की शेप होती है सेल्स की वन दे कम टूगेदर दे मेक कॉलम नार टिश्यू ठीक है अब ये करते क्या है इट फेसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द दिलियल बैरियर अब ये जो वर्ड है कॉलमनार ये कहाँ से आता है अगर तुम आ, कभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर तुमने बात करी होगी या फिर कहीं पर सुना होगा तो कहते हैं कि कॉलम कॉलम बनना है कॉलम क्या होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ठीक है इसी के ऊपर पिलर बनता है बिल्डिंग का एंड ये जो शेप होती है बेसिकली दिस इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल दे इसको हम कहते हैं कॉलमनार एपिथीलियम ठीक है दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्टमक वेर अब्सॉर्पन एंड सेक्रीशन अकर्स जहां पर अब्जॉर्बशन एंड सेक्रीशन प्रोसेस होंगे वहां पर हमारा कॉलमनार एपिथिलियम होता है जस्ट लाइक द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द स्टमक इज वेल स्टमक की भी जो लाइनिंग होती है इट इज मेड अप ऑफ कॉलमार एपिथीलियम टिश्यू ओके सम टाइम्स क्या होता है हमारा जो कॉलमनार एपिथिलियम टिश्यू है इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं हम सीलिया क्या कहते हैं सी आई एल आई ए एंड ये क्या करते हैं इनका फंक्शन क्या होता है इनका फंक्शन बेसिकली होता है मूवमेंट मतलब किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट करना अब यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे को दिया हुआ है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज़ किन चीज़ों से बना होता है भैया हमारा नोज है माउथ है ठीक है फिर उसके बाद हमारा वोकल वॉइस बॉक्स हो गया फिर उसके बाद ईस्टो फेगस आ गया और नीचे लंग्स हो गए है ना दिस इज़ हाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड ठीक है अब इसमें हमारे जो uh, वो होते हैं कॉलमनार एपिथीलियम टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर दर आर हेयर हेयर लेक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड सीलिया एंड वो क्या करते हैं म्यूकस की मूवमेंट को पुश करते हैं ठीक है अब हमारे को म्यूकस को एक जगह इकट्ठा तो करना नहीं है बिकॉज उससे क्या होगा कंजेशन होगा तो इसीलिए वो मूवमेंट होनी बहुत जरूरी है सो दैट आर इंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज क्लियर ऑल द टाइम तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करते हैं ऑफ म्यूकस ठीक है यहां पर तुम्हारे को पता भी चलेगा देखो इस जीआईएफ को जब देखोगे तो एग्जैक्टली exactly कुछ ऐसा ही होता है ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं थ्रू दीज सीलिया ओके मूविंग ऑन टू द थर्ड वन दैट इज क्यूबोइडल क्यूबोइडल एपीथीलियम किससे बना होता है क्यूब्स क्यूब सेल्स जो होते हैं जो सेल्स क्यूब शेप के होते हैं व्हेन दे आर स्टैक टुगेदर दे आर मेड इनटू क्यूबोइडल क्यूबॉइडल एपीथिलियम ऑफ क्यूब शेप सेल्स एंड कंटेन राउंड न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर होता है उनका इट इज काइंड ऑफ वेरी इट्स लाइक अ परफेक्ट लाइक राउंड ठीक है दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लोकेशन क्या है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड हमारे माउथ uh, के अंदर होते हैं जो सेक्रीट करते हैं एंड ऑल्सो दी किडनी ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है वहां पर दीज आर फाउंड ओके एपीथीलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स विच कैन सेक्रीट सब्सटेंट दी एपिथीलियल सर्फिस इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ बेसिकली जो हमारा एपिथीलियम होता है वो कैसे होता है मान लो ऐसे, -ऐसे करके हमारे जो क्यूब वाले सेल्स हैं, ठीक है? वो ऐसे करके एक एक लाइनिंग बनाते हैं ठीक है अब क्या होता है ये अगर बीच में से फोल्ड होने लग गई ऐसे करके अगर डेप्रिवियशन हो गई समथिंग लाइक दिस ठीक है ऐसे करते करते ये जो डेप्रिवियेशन है ये डीप चली जाती है ठीक है ऐसी कुछ exactly एग्जैक्टली ऐसी और ये क्या बना देती है डक्ट बना देती है ठीक है जब ये डक्ट बनाती है तो ये क्या बना देती है इसको एक ग्लैंड बना देती है और ग्लैंड क्या होता है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्गन जो हमारा ग्लैंड है इट इज एन इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गन विच प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ सब्सटेंस ठीक है हमारे पास दो टाइप के ग्लैंड होते हैं एक आता है एंडोक्राइन और एक आता है एक्सोक्राइन एंडो का मतलब मैंने पहले भी बताया था इन और एक्सोक्राइन का मतलब होता है एक्सो का मतलब है आउटसाइड तो जो एंडो वाला होता है वो हमारा जो भी हॉर्मोन सेक्रीट करता है जो भी हमारा एंडोक्राइन uh, ग्लैंड होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही उसको डाल देता है बट जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है जस्ट लाइक स्वेट वाला जो होता है ठीक है हमारा स्वेट क्या होता है वो बाहर एक्सक्रीट हो जाता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी द स्किन सो द्लैंड आर डिवाइड टू टू पार्ट्स एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन जो ये ग्लैंड हैं बेसिकली दीज ग्लैंड आर ऑल्सो मेडअप ऑफ क्यूबॉइडल एपीथीलियम सेल्स जिनकी बीच की जो ये होती है लाइनिंग होती है वो क्या होती है वो फोल्ड करने लग जाती है इन साइड ठीक है एंड देर फोर दीज बिकम ग्लैंडुलर एपीथीलियम ग्लैंड से ही ये वर्ड आया है दे बिकम ग्लैंडुलर एपीथीलियम टिश्यू ठीक है समथिंग लाइक दिस यहाँ पर जो है हमारा सेक्रीशन जो सब्सटेंस uh, होता है या फिर जो भी है वो यहां पर इकट्ठा होता है दैट इज हाउ इट इज मूव्ड आउट ये मूवमेंट ऐसे आती है एंड दिस इज कॉल्ड द डक्ट ठीक है ओके सो वी डन विद एपिथीलियम ठीक है एपिथीलियम में हमने तीन टाइप्स देखे थे एज पर द शेप ठीक है एक हमारी लाइन हो जाती है एक क्यूबॉइड आ जाती है और एक सिलेंड्रिकल आ जाती है नाउ वी मूविंग ऑन टू दिन टिश्य ने क्या होता है भाई ये टिश्यूज वो है जो दो चीजों को कनेक्ट करते हैं ठीक है so क्या होता है कनेक्टिव टिश्यूज आर फाइबर इन नेचर ठीक है दे आर लूजली बाउंड सेल्स प्रेजेंट इन एन इंट इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स उसकी इंटरसेलुलर होती है जो सेल्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं ठीक है हमने एपिथेलियम की क्या बात करी थी एपिथेलियम बिकॉज़ कवरिंग होती है उसके जो सेल्स हैं दे टाइटली पैक्ड वेयर इज कनेक्टिव सेल कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके सेल्स आर लूजली बाउंड ठीक है थर्ड टाइप uh, कैसा होता है डेंस होता है रिजिड होता है और फ्लूइड भी होता है ठीक है इट इज स्पेशाइज टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स विद ईच अदर एग्जाम्पल मसल टू बोन और बोन टू बोन ऐसे करते करते हमारे पास थोड़े बहुत इसके टाइप्स आ जाते हैं जो अभी हम देखेंगे ठीक है अब टाइप्स जो हैं दिखने में काफी सारे लग रहे हैं बट इसमें जो मोस्ट ऑफ दैम विल गेट टू नो तुम्हारे को पहले ही ऑलरेडी पता होगा तो इट्स नॉट अ बिग डील पहला हमारा आ गया ब्लड फिर आ गया बोन लिगमेंट्स टेंडोन्स कार्टलेज एरियोलर एंड एडिपोज ये सारे के सारे हम एक 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 करके अब पढ़ने वाले फर्स्ट वन इज ब्लड फ्लूइड विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू हमारा जो ब्लड होता है वो भी एक टिश्यू होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट इज विच टाइप ऑफ अ टिश्यू इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू ठीक है इसका जो फंक्शन है एंड जो मैं भूल चुकी हूँ इसका जो फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ऑब्वियसली ये एक फ्लूइड है ब्लड रन थ्रू आउट आर बॉडी क्या करता है ये ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है किससे बना होता है भाई एक फ्लूड होता है विच इज नोन एज प्लाज्मा बेसिकली इसके अंदर हमारा प्लाज्मा होता है सोल्ट होते हैं ठीक है प्रोटीन होते हैं हमारे हॉर्मोन्स भी होते हैं कैसे होते हैं हॉर्मोन्स अभी मैंने तुम्हारे को बताया ग्लैंड क्या करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर हॉर्मोन्स को डाल देते हैं तो दे फोर हॉर्मोन्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा तो होता ही होता है सोल्ट भी होते हैं ना जो हमारा प्लाज्मा है प्लाज्मा तीन चीजों का बना होता है दैट इज आर बी सी रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स दैट इज डब्ल्यू बी सी एंड आर प्लेटलेट्स है ना ये तीन चीज़ों मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं हमारे प्लाज्मा के एंड जो हमारा आर बी सी होता है इसमें उसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है ठीक है जो बेसिक उसका फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का बेसिकली आरबीसी का वो क्या होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में ठीक है नाउ इट कंटेन सॉल्ट प्रोटीन एंड हार्मोन वेल ब्लड फ्लोज विद इन ब्लड वेस्ल्स एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस फूड वेस्ट मटीरियल एंड हॉर्मोन्स इन दी बॉडी सिंपल ओके अब इसमें फिगर में एक बार देख लो यहाँ पर हमारे को अलग अलग डिस्टिंक्शन दी हुई है रेड ब्लड सेल्स हैं प्लाज्मा है प्लेटलेट्स हैं है. सबसे ज्यादा प्लाज्मा तो है ही 55 परसेंट ठीक है जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी 41 परसेंट होते हैं तो मतलब जो हमारा ब्लड है उसका कलर भी किसकी वजह से आता है जो हमारा ब्लड का रेड कलर होता है किसकी वजह से आता है वो बेसिकली जो हिमोग्लोबिन है हमारा आर के अंदर ग्लोबिन उसकी वजह से हमारा रेड कलर आता है ठीक है बाकी छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी हैं इसमें ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली यू शुड नो अबाउट दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स आरबीसी डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट्स ओके डिफरेंट ब्लड सेल्स इन द बॉडी अब ये जो हमारे डिफरेंट सेल्स हैं इनका क्या क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं एक बार आर बी सील्थ हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेकर जाते हैं ये एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमोग्लोबिन एंड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे मैंने अभी बताया कि ह्यूमोग्लोबिन के ही थ्रू जो सबसे बड़ा इसका फंक्शन होता है वो होता है ओ टू ओ टू को बॉडी में पूरे में रेगुलेट करना ठीक है फिर हमारे आते हैं वाइट ब्लड सेल्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स जब हमारा वर्ड होता है ल्यूको ठीक है दैट बेसिकली मीन्स वाइट ठीक है कहां पर यूज किया था हमने ये ल्यूको प्लास्ट ल्यूको प्लास्ट क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट दीज वर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक ल्यूकोप्लास्ट कैसा था वाइट था या ट्रांसपेरेंट था तो ल्यूको बेसिकली मीन्स वाइट एंड दे फोर डब्ल्यू बी सीज आर ऑल्सो नेम्ड एज और ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स ठीक है दे हेल्प इन फाइटिंग विद डिजीजेज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो डब्ल्यू बी सीज ही प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज हाउ आर बॉडीज एबल टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज ठीक है थर्ड हमारा आ जाता है प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स क्या करते हैं रिपेयरिंग टिश्यूज होते रिपेयरिंग हमारे सेल्स होते हैं ठीक है विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं इनको एंड दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बेसिकली रिपेयरिंग इनका फंक्शन होता है कहीं भी चोट लग गई रिपेयर कौन करता है भाई हमारी जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं वो रिपेयर करते हैं ओके okay. मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप हमने ब्लड देख लिया है अब हम देख लेते हैं बोन क्या होता है कि बोन भी हमारा क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है ठीक है बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मीट्रिक्स दैट इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन कैल्शियम्स एंड फॉस्फोरस कंपाउंड ठीक है हमारा जो बोन होता है वो क्या होता है एक हार्ड मीट्रिक्स होता है किस चीज का बना होता है भाई प्रोटीन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का इन तीनों चीजों का बना होता है ये स्ट्रक्चर ठीक है डेफिनेटली बोन क्या करता है उसका फंक्शन क्या है हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर देना ठीक है अगर बोन अगर हमारा स्केलेटन नहीं होंगे अगर हमारा जो पूरा स्केलेटन है या फिर हमारे बोन्स नहीं होंगे हमारी बॉडी शेप में रहेगी नहीं इट विल बी लाइक अ सॉक ठीक है वो जो स्ट्रक्चर होता है स्टेडीनेस होती है जो आ, एक स्टर्डी लुक आता है हमारी बॉडी का वो कैसे आता है बोन्स के ही थ्रू आता है ठीक है इट प्रोवाइड्स सपोर्ट

जब हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है तब लूजली पैक्ड होते हैं हमारे पार्टिकल्स या फिर हमारे सेल्स नाउ बोन्स का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग uh, फैक्ट uh, है जो बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें एज एन कंपेयर टू एन एडल्ट ज़्यादा बोन्स होती हैं एज अ चाइल्ड अ न्यूबॉर्न बेबी बेसिकली हैज थ्री हंड्रेड बोन्स एंड वंस दैट चाइल्ड इज टर्न इन टू एन अडल्ट हमारी जो होती हैं बोन्स वो टू हंड्रेड एंड सिक्स हो जाती हैं और वो कैसे हो जाती है काफ़ी सारी बोन्स जो होती हैं वो कनेक्ट कर जाती हैं एज द बॉडी ग्रोथ एंड देयरफोर तुमने हमेशा नोटिस किया होगा जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सीबल होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट क्यों होते हैं भाई क्योंकि उनकी जो बोन्स है, वो already हैं वो ऑलरेडी छोटे पीसेज में है ठीक है तो मूवमेंट उनकी जो होती है वो बहुत ईजी होती है बल्कि जैसे जैसे तुम अडल्ट बनते चले जाते हो तो क्या होता है आ जाती है बॉडी में बिकॉज बोन्स। ओके नाउ द थर्ड वन इज लिगमेंट लिगमेंट क्या करता है टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू इच अदर हेल्प ऑफ लिगमेंट लिगमेंट दो बोन्स को कनेक्ट करता है ठीक है एंड देरफोर इट इज इलास्टिक इन नेचर फ्लेक्सीबिलिटी होती है इसमें इट हैज कंसिडरबल स्ट्रेंथ एंड इट कंटेन्स वेरी लिटिल Matrix. Matrix इसमें काफी कम होता है बेसिकली यहां पर लिगमेंट दिखाया हुआ है इट इज कनेक्टिंग टू बोन्स एक तो बोन हो गई बोन नंबर ये ये और ये हो गई हमारी बोन नंबर टू इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर रहा है ये ये रहा हमारा लिगमेंट विच इज एक्चुअली कनेक्टिंग इट ठीक है ओके okay. अब देख लेते हैं टेंडोन टेंडोन हमारा जो है पिछले वाले अभी जो मैं इमेज दिखा रही थी उसमें भी ऊपर की तरफ था बट बेसिकली इसका फंक्शन भी क्या होता है इट कनेक्ट मसल टू बोन्स दो बोन्स को हमारा जो है क्या कनेक्ट करता है दो बोन्स को हमारा कनेक्ट करता है लिगमेंट यहां पर देखो ये हमारी बोन नंबर वन है टू है इसको क्या कनेक्ट कर रहा है हमारा लिगमेंट ये वाला पार्ट एंड जब हम मसल की बात करते हैं दिस इज आर स्केलेटल मसल एंड दिस इज आर बोन वेन बोन इज गेटिंग कनेक्टेड विद स्केलेटल मसल इट इज कॉल टेंडॉन इट बाइंड मसल टू बोन ओके सो इट कनेक्ट मसल टू बोन इट इज अ फाइबर फ्लेक्सीबिलिटी इसकी जो फ्लेक्सीबिलिटी होती है वो कम होती है बल्कि हमारा जो लिगमेंट है दैट इज मोर इलास्टिक इन नेचर ये वाला जो है इट इज इलास्टिक इन नेचर बट जो टेंडॉन होता है वो हमारा इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल फ्लेक्सीबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती बट स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है जब हम लिगमेंट की बात करते हैं उसमें एज कम्पेयर टू टेंडॉन्स थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम होती है ठीक है एग्जैक्टली ऐसे ही है यहाँ पर बोन है ये वाली जो हमारी बोन है ये हमारी मसल है एंड टेंडॉन इज बेसिकली कनेक्टिंग द बोन एंड द मसल ओके अनादर फिगर जस्ट शोइंग द डिफरेंस बिटवीन लिगमेंट एंड टेंडोन्स ठीक है हमारा बोन हो गया ये जो दोनों बोन्स हैं उसको कनेक्ट कर रहा है हमारा लिगमेंट यहाँ पर ये वाली हमारी मसल है ये वाला हमारा बोन है ये कौन कनेक्ट करता है टेंड ओके मूविंग ऑन टू द फिफ्थ टाइप दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज क्या होता है कार्टिलेज इट इज अ टिश्यू विच हैज वाइडली स्पेस सेल्स अब अगर स्पेस ज्यादा होगी तो उसका क्या मतलब है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी ठीक है अब वाइडली स्पेस है तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा होने वाली है और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे पता चलेगी भाई हमारी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है अपने कानों को टच करके देखो दीज आर मेड अप ऑफ कार्टलेज क्या होता है भाई स्किन थी, एक्चुअली भी आराम से तुम उनको मोड़ सकते हो ठीक है नोज इज ऑल्सो अप ऑफ कार्टलेज दिस टिश्यू इज वाइडली स्पेस्ड एंड द सॉलिड मेट्रिक्स कॉल्ड कॉन्ड्रिन इस किस चीज से बना होता है दिस इज मेड अप ऑफ कॉनड्रिन और कॉन्ड्रिन किन दो चीजों का कॉम्पोजिशन होता है एक होता है शुगर और एक होता है प्रोटीन इन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है इट एक्चुअली गिव्स राइज टू कॉन्ड्रिन ठीक है एंड कॉन्ड्रिन इज द सॉलिड मेट्रिक जो क्या बनाता है हमारा कार्टिलेज ठीक है इट स्मूथ बोन सर्फेस एट जॉइंट एंड इज प्रेजेंट एड नोज ट्रकिया एंड लानिक्स ठीक है हमारा जो वॉइस बॉक्स है इवन दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं एक्सटर्नल कार्टिलेज जो होता है वो इट इज प्रेजेंट आउटसाइड दी बॉडी इंटरनल भी होते हैं हमारे ट्रकिया एंड ब्रोंकाई ठीक है ये भी उसी से बने होते हैं इन इनवर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं वो भी हमारी कार्टिलेज से ही बनी होती हैं बट दीज आर बेसिकली वॉट इंटरनल ठीक है इंटरनली यू कैन फाइंड दैम ओके ओके नाउ मूविंग ऑन टू दिस दिक्कस वन एरियोलर टिश्यू इससे पहले आई एम प्रेटी श्योर जितने भी नाम मैंने बताए हैं वो तुमने ऑलरेडी सुने होंगे दिस इज समथिंग विच मोस्ट प्रॉबली यू वॉन्ट अबाउट इट अर्लियर ठीक है एरियोल क्या होता है इट इज एक्चुअली अ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल ये हमारी जो एक मसल होती है और हमारी स्किन होती है उसको कनेक्ट करता है ठीक है अराउंड ब्लड वेसल्स नर्व एंड इन बोन मारो ये बोन मारो में भी पाया जाता है बोन मारो क्या होता है बोन के बेसिकली हमारी जो बोन होती है उसके अंदर देर इज अस फॉर बोन मारो ठीक है इट इज जनरली सॉफ्ट इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज टिश्य जो रिपेयर होती है वो बेसिकली इसका मेन फंक्शन है ठीक है रिपेयर इज द फंक्शन एंड ये काइंड kind ऑफ of एक इमरजेंसी किट होती है जो रिपेयर करती है ठीक है जैसे हॉस्पिटल्स uh, में इमरजेंसी किट होती है या फिर घर पे तुम्हारे इमरजेंसी किट होती है वैसे ही एरियोलर टिश्यू जो है वो इमरजेंसी किट की तरह काम करता है जहाँ पर भी uh, चोट लग जाती है जहां पे भी सेल्स डैमेज uh, हो जाते हैं वहां पर रिपेयर कौन करता है एरियोलर टिश्यू विच इज कनेक्टिंग मसल एंड स्किन ओके मूविंग ऑन टू द लास्ट वन दैट इज एडिपोज टिशू एडिपोज टिशू क्या होता है दीज आर एक्चुअली कुशनिंग टिशूज क्या होते हैं ये कुशनिंग टिशूज होते हैं ये बेसिकली कुशन कर रहे होते हैं इंस्युलेटर की तरह काम करते हैं जैसे कि एक थर्मस होता है न थर्मस के अंदर बेसिकली थर्मस जो होता है पानी गर्म कैसे रखता है उसके जो दो वॉल्स होती हैं उसके बीच में वैक्यूम होता है एंड जो वी जो हमारी हीट होती है अगर तुम गर्म पानी उसके अंदर डालोगे जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है उसके अंदर वाली वॉल के ठीक है एंड दैट इज हाउ द वॉटर रिमेन्स हॉट ठीक है तो सिमिलरली जो हमारा एंडीपोज टिश्यू है वो भी इंसुलेटर की तरह काम करता है बट ये क्या स्टोर करता है फैट स्टोर करता है ठीक है इट इज़ फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल ठीक है इट इज़ बेसिकली कुशनिंग कुशन की तरह काम करता है ये इट इज़ कॉल्ड फैट स्टोरिंग टिश्यू एंड इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर ये हमारा एमसीक्यू इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा होता है काफी सारे बच्चे भूल जाते हैं रिमेंबर टिश्यू ओके इट्स अ फैट स्टोरिंग टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन हमारी स्किन के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर तो यहाँ पर एक फिगर है इसको तुम देख लो फैट स्टोरेज एरिया दिस इज द न्यूक्लियस ठीक है ये पूरा हमारा क्या है स्टोर्ड फैट है ठीक है तो ये क्या करता है स्टोर करता है फैट को फैट स्टोरेज ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज मस्क्यूलर टिश्यू जो हमारा थर्ड टाइप है टिश्यूज़ का, दैट इज मस्क्यूलर ठीक है हमने एपिथीलियम देख लिया है और हमने कौन सा देख लिया कनेक्टिव एपिथीलियम कवरिंग बनाता है कनेक्टिव क्या करता है दो चीज़ों को जोड़ता है कनेक्ट करता है और उसके सेवन टाइप्स हैं आई गेस और एपीथीलियल के हमने कितने टाइप्स पढ़े हैं तीन टाइप चलो भाई मूविंग ऑन टू द फर्स्ट वन दैट इज केलेटल मसल ठीक है ये वाला जो मसल टिश्यू होता है जो हम पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट वन इज केलेटिल ठीक है स्केलेटल एज द नेम डिनोट्स केलेटल मीन्स इट इज बी नियर द बोन्स ठीक है सो इनका जो बेसिक जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लॉन्ग ठीक है सेकेंड दे आर सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल शेप होती है अनब्रांच होते हैं अनब्रांच मतलब गुच्छे में नहीं होते इंडिविजुअली पाए जाते हैं एंड दे कंटेन मेनी न्यूक्लिया मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं इनके सिंगल सेल में ठीक है ना These muscles are known as skeletal muscle as they are mostly attached to bones and help in the body movement. जो body की movement है now अगर मेरा हाथ यहाँ पर है now my hand is here कैसे आ रहा है भाई ये muscles की वजह से कौन सी वाली muscles हैं ये skeletal muscles हैं ठीक है ठीके? ये voluntary muscles होती हैं अगर मैं चाहती हूँ मैं सिर्फ तभी इनको move कर सकती हूँ otherwise नहीं ये function नहीं करेंगी ठीक है As these muscles can move according to our will, they are known as ठीक है ओके एक और इंपॉर्टेंट यहां पर इसका पॉइंट आ जाता है striated muscle यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रांड्स मतलब है? मतलब है होते हैं स्ट्रांड्स का क्या मतलब है strands का मतलब है ये जो सिलेंड्रिकल सेल्स हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं कुछ इनमें से डार्क कलर के होते हैं और कुछ होते हैं सॉरी कुछ होते हैं डार्क और कुछ होते हैं लाइट तो उससे क्या होता है जब डार्क लाइट डार्क लाइट करके स्ट्रक्चर बनता है तो अलग अलग स्ट्रैंड्स हमारे को विजिबल होते हैं ठीक है जैसे बालों में स्ट्रीक्स करा लेते हैं ना तो एक एक बाल का जो मतलब स्ट्रैंड होता है वो बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल होता है सिमिलरली सिमिलरली जो हमारा स्केलेटल मसल है वो स्टाइटेड मसल होता है उसके जो मसल सेल्स हैं वो डार्क एंड लाइट बोथ कलर्स के होते हैं तो इसीलिए हमारा इंडिविजुअल स्टैंड जो है वो बहुत प्रोमिनेटली विजिबल होता है मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन तो हमने जो स्केलेटल मसल की बात करी स्मूथ मसल काइंड ऑफ ऑपोजिट होता है उसका ठीक है तो जैसे वो स्ट्राइटेड था ये स्ट्राइटेड नहीं होता दिस इज अनस्ट्राइटेड मसल क्योंकि इसमें डार्क और लाइट बैंड नहीं होते है. एक ही कलर के बैंड होते हैं ठीक है ऐसा सा कुछ दिखता है आई थिंक दिस इज दो मोस्ट कॉमन पिक्चर जो हम मसल सेल्स की देखते हैं ठीक है जब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे सेल्स उसमें भी यही वाला हमारा पिक्चर था एंड नाउ वी नो दैट दिस इज एक्चुअली स्मूथ मसल स्मूथ मसल और जो हम स्केलेटल मसल की बात करें तो उसमें एक और डिफरेंस होता है मूवमेंट का वो वाले वॉलेंट्री मसल्स थे ये वाले इन मसल्स होते हैं हमारी विल इसमें मैटर नहीं करती है इसके जैसे बॉडी के अंदर डाइजेशन है इट्स अ प्रोसेस ठीक है ये प्रोसेस चाहे हम चाहें मतलब अगर हम चाहते हैं या हम ना चाहते हुए भी ये होता है इवन इफ यूर स्लीपिंग डाइजेशन विल हैपन इन इट्स ओन टाइम ठीक है बट बाकी जब हम वॉलेंट्री मसल्स की बात करते हैं दे ओनली मूव व्हेन वी वांट देम टू मूव सो स्मूथ मसल्स ऐसी नहीं होती दे आर इन वॉलेंट्री मसल्स ठीक है दीज सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स एज यू कैन सी इनकी जो एंड्स है, हैं दे आर पॉइंटेड ऐसे करके हैं

मूविंग ऑन टू द थर्ड वन दैट इज कार्डियक मसल्स भाई नाम से ही पता चल जाता है कार्डियक मतलब समथिंग रिलेटेड टू द हार्ट हार्ट की जो मसल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं कार्डियक मसल्स दीज आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनि न्यूक्लिएटेड यूनि न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब है सिंगल न्यूक्लियस जैसे हमारा कौन से वाला है सेकेंड टाइप जो आता है दैट इज स्मूथ मसल स्मूथ मसल में भी क्या होते हैं सिंगल न्यूक्लियस होता है और हमारा जो स्केलेटल मसल है उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस सिमिलरली कार्डियक में भी सिंगल न्यूक्लियस होता है इट इज ब्रांच ठीक है एंड सिलेंड्रिकल इन शेप इट कंट्रोल द रिदमिक में एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट हार्ट कैसे पंप करता है भाई ब्लड वो रिलैक्सेशन एंड जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है ये वाली जो क्या होती है मूवमेंट उसी से ब्लड फ्लो करता है हमारी पूरी बॉडी में तो so, वो कौन कंट्रोल करता है कार्डियक मसल्स कंट्रोल करती हैं दीज मसल्स आर ऑल्सो इन इन नेचर नाउ यू के नॉट टेल योर हार्ट टू स्टॉप बीटिंग इट्स गोन बीट एनी वे क्योंकि जिस दिन रुक गया तो बस फिर तो मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है बट दीज मसल्स आर इन इन नेचर ओके अब एक बार डिफरेंस फिर से देख लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये एक होता है स्ट्राइटेड मसल्स दीज आर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स और एक आ जाता है कार्डियक मसल दिस इज वॉल्ट्री इन नेचर ठीक है हमारे जो स्मूद uh, मसल है और कार्डियक मसल ये हमारी स्मूथ है है ना दिस इज इनवॉलेंट्री नेचर और कार्डियक वाली भी इनवॉलेंट्री होती है ये वाली स्केलेटल है ठीक है मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट एज द नेम सजेस्ट स्केलेटल है इट इज अटैच टू द बोन्स स्मूथ मसल क्या होती है इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल एंड हमारे कार्डियक मसल्स ऑब्वियसली दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट

दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स जिसकी वजह से स्ट्राइशंस हमें दिखती है ये नॉन स्ट्राइटेड होती है सो दे डो नॉट है दे ऑल्सो हैव स्ट्राइशंस तो इसमें हमारा जो ये दोनों है दे आर सिमिलर नाउ सेल्स अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनबैलेंसड एंड हैव मेनी न्यूक्लिया मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं इसमें सेल्स अ लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड जो हमारा स्मूथ मसल का सबसे बेसिक डाइग्राम है विदल न्यूक्लियस वायरस कार्डियक मसल में भी सिंगल न्यूक्लियस होता है दीज आर ब्रांच एंड लॉन्ग ठीक है स्ट्राइटेड मसल आर प्रेजेंट इन दी इनर लिम्स एंड हैंड्स ठीक है और हमारा जो नॉन स्ट्राइटिड मसल है विच इज स्मूद मसल दिस इज प्रेजेंट इन द आई ऑफ दी आई एंड इन यूट्रस ऑल्सो सो दिस आई ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट एंड जो कार्डियक मसल है हार्ट मूविंग ऑन टू द फोर्थ टाइप द लास्ट वन इन एनिमल टिश्यूज दैट इज नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू क्या होता है भाई लेट्स लुक इन टू दैट पहले हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है इट बेसिकली कनेक्ट्स द ब्रेन एंड देन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कोऑर्डिनेशन होती है थ्रू दीज नर्व्स दिस इज बेसिकली द नर्वस टिश्यू ये देखो यहाँ पर ब्रेन है हमारा और ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड ये कनेक्ट कैसे होते हैं भाई नर्व सेल्स से होते हैं ठीक है नर्वस सिस्टम टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइक बॉडी कैसी दिखने वाली है क्या, क्या क्या काम करने वाली है ये सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये क्या कौन लेता है नर्वस हमारा सिस्टम लेता है विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ठीक है और इसीलिए जब हम इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है तो इसके जो सेल्स जिन सेल से ये बना होता है दे आर ऑल्सो सुपर स्पेशलाइज मतलब बिल्कुल इसके फंक्शन के हिसाब के बने होते हैं ठीक है फंक्शन इसके क्या क्या होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सेंस ट्यूमिलाई लाइक टेस्ट स्मेल टच हरिंग ये जो सारी चीज़ें हमारी कैसे आती हैं भाई नर्वस सिस्टम के थ्रू आती है इट ऑल्सो सेंस इंपल्स अक्रॉस द बॉडी थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारी बॉडी में जाते हैं वो नर्वस टिश्यू के ही नर्वस सिस्टम के ही थ्रू जाते हैं ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द नर्वस टिश्यू ठीक है नर्वस टिश्यू कैसा होता है इट इज अ टिश्यू दैट रिसीव्स स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट्स इट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द टिश्यू सो दैट

कहीं पर ये बुक्स में गिवन भी नहीं होते हैं बट दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स विच एक्चुअली सपोर्ट दी नर्व सेल्स और न्यूरो न्यूरोन्स कनेक्ट टूगेदर टू फॉर्म नर्व इन आ बॉडी जो हमारी बॉडी में नर्व्स हैं वो बेसिकली न्यूरोन सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड नर्व्स फॉर्म करते हैं ओके नाउ नर्वस टिश्यू जो हमारा न्यूरोन है उसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं कि न्यूरोन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं सो बेसिकली देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ न्यूरोन फर्स्ट इज सेल बॉडी ऑल्सो नोन एज सोमा पिक्चर में देखो ये रहा सोमा सो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये पिंक वाला दिस इज कॉल्ड सोमा एंड जो हमारा न्यूरॉन का दिस डायग्राम इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्बलो ठीक है तो इसको मैं तुम्हारे को जस्ट टू मेक इट इजी आई विल जस्ट कंपेयर दिस विद द ट्री ठीक है मान लो ये हमारा हो गया एक्सॉन विच इज द बाक ऑफ द ट्री ये आ गई हमारी रूट्स Which is, ये देखो ये है बाक ऑफ द ट्री ये हमारी आ गई रूट विच आर हमारा आ गया ये ब्रांचेस आ गई ट्रीज की विच आर कॉल्ड्राइड एंड ये जो इंटायर पार्ट है विच इज कॉल्ड सेल बॉडी और सोमा ये हमारा अपर पार्ट ऑफ द ट्री हो गया और द सेल द ट्री बॉडी ठीक है सो समथिंग लाइक दैट इट बेसिकली लुक्स लाइक अ ट्री ओनली नीचे के जो एक्सटेंशन होते हैं उनको नर्व एंडिंग बोलते हैं ऊपर वाला अपर पार्ट इज कॉल्ड सोमा ठीक है जिसके अंदर हमारा क्या क्या होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है देखो लेट स्टार्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट वन दैट इज सेल बॉडी और सोमा द सेल बॉडी कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है क्यों होती है भाई क्योंकि इसी के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस भी इसी के अंदर है साइटोप्लाज्म भी इसी के अंदर है इट मेंटेन्स द न्यूरॉन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कौन मेंटेन uh, करता है हमारा सेल बॉडी ही करता है उसके अंदर का न्यूक्लियस ही करता है करता है एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ड्राइव एक्टिविटीज क्योंकि इसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन है वो भी एक्चुअली हमारे सेल बॉडी के ही अंदर होते हैं सोमा के ही अंदर होते हैं ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ साइडोप्लाजम न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन अब हम आ जाते हैं डेंड्राइट्स के ऊपर तो डेंड्राइट्स बेसिकली इसी का पार्ट होती है ये देखो ये जो एक्सटेंशन है ट्री में जैसे ब्रांचेस होती हैं जिनके ऊपर लीव्स होते हैं वैसे ही डेंड्राइट्स होते हैं डेंड्राइट्स आर फाइबरस रूट्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द सेल बॉडी लाइक एंटीना डेंड्राइट रिसीव एंड प्रोसेस सिग्नल्स फ्रॉम द एक्सॉन्स टू अदर न्यूरो अब ये वाला कैसे वो प्रोसेस करता है पिछले वाले Uh, जो दूसरे नर्व सेल्स uh, के साथ वो हम आगे देखेंगे बट डेंड्राइट्स बेसिकली क्या होते हैं के अंदर से ये branch out करती हैं okay. क्या होता है? इट इज सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूरॉन जो हमारा ये वाला पार्ट है सेल बॉडी उधर से जो एक सिंगल लॉन्ग फाइबर आती है उसे हम कहते हैं एक्सॉन ठीक है इट इज लाइक अ टेल टेल होती है ये हमारे न्यूरॉन की ठीक है एंड इट जॉइन्स द सेल बॉडी एट अ स्पेशलाइज्ड जंक्शन कॉल्ड एक्सॉन हिलक ठीक है न्यूरॉन्स जनरली हैव वन मेन एक्सॉन एक मेन एक्सॉन होती है और उसके नीचे हमारी आ जाती है नर्व एंडिंग्स ठीक है ये हो गई हमारी नर्व एंडिंग्स दीस आर लाइक रूट्स ऑफ द ट्री ठीक है अब बेसिकली होता क्या है बेसिकली यही होता है कि मान लो अगर ये हमारा न्यूरॉन वन है ठीक है मैं न्यूरॉन टू यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ ऐसा सा ही कुछ ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी बट स्टिल देखो ये हमारा एक्सॉन हो गया और इसके नीचे ये हो गई हमारी नर्व एंडिंग्स तो ऐसे करके हमारे दो न्यूरॉन्स जो होते हैं बेसिकली कनेक्टेड होते हैं जो इसके डेंड्राइट्स हैं ये देखो जो हमारा न्यूरॉन टू के डेंडराइट हैं दे आर कनेक्टेड टू नर्व एंडिंग्स ऑफ न्यूरॉन वन फर्स्ट सेल की दूसरे सेल की क्या कनेक्शन हैं इसके अपर पार्ट दैट इज डेंडराइट्स आर कनेक्टेड टू लोअर पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेल दैट इज नर्व एंडिंग्स ठीक है ऐसे करके कुछ होता है और इसके जो बीच में होता है यहाँ पर गैप्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं साइनाप्स ठीक है Synabs, ज रीजन ऑफ यूनियन ऑफ एक्शन ऑफ वन न्यूरोन विदराइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरोन जो एग्जैक्टली exactly मैंने तुम्हारे को बताया इट इज समथिंग लाइक दिस इसके बीच में गैप होता है और ये जो ट्रांसमिशन होती है हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिनको हम बोलते हैं वो होते कैसे हैं वो केमिकली होते हैं ठीक है थ्रू न्यूरो ट्रांसमिटर्स ज्यादा इसमें डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है यू शुड जस्ट नो दैट साइन ऑप्स इज दिस इज द बेसिक थिंग दैट नो no, डेफिनेशन ये पता होनी चाहिए of 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 neuron. Neuron neuron, यहां पर तुम्हारे को पता चल जाएगा कि कैसा होता है ये हमारा हो गया एक्सन और नीचे आ गए इसके गे रहे डेंड्राइट एंड दिस इज द एक्सॉन

एक्चुअली हम पर्सनल सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं ऑफ न्यूरॉन्स न्यूरॉन सेल्स जो है हमारे नर्वस uh, सेल्स हैं उनके पर्सनल सेक्रेटरीज आर सेल्स दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड फंक्शन दैट इज द बेसिक वर्क ऑफ ग्लायल सेल सो आई थिंक दिस इज ऑल फो टूडे आई हैव बीन एबल टू कवर ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज चारों टाइप्स हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं एम सी क्यूज और डिस्कस करूंगी इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करने वाली हूँ सो स्टे यू टू आर चैनल आई होप यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट शेयर सब्सक्राइब टू आर चैनल इस वेल थैंक यू